एक तो चाय और दूसरा बिस्किट। बिस्किट नहीं बे, ये व्यू बिस्किट तो खा ले। कहाँ पर है वो रहा लैंडस्लाइड? सामने यहीं से, नेपाल से। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल 141 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से, मतलब आगे जाने से फायदा नहीं है? ना ना बिल्कुल नहीं, यहीं पे जब वो मशीन ही नहीं लगी अभी तक तो क्या। चलूं मैं? जाइए। आई एम रेडी, बस अब निकल रहा हूँ यहाँ से मैं। हम कुछ कर रहे हैं गंगोत्री की ओर। नमस्कार, दिस इज प्रियांक आर्य, यू आर वॉचिंग प्रियांक आर्य। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इस पर रोज व्लॉग्स आ रहे हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय कंटेंट। भाई अरे, बाकी के संगी साथियों का परिचय अभी बाकी है। उनमें से एक चौधरी साहब आगे खड़े हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? बाहर से होने वाली थी। ठीक है, टाटा, बाय भाभी, बाय बाय। आई लाइक इट, हमारा लौंडो तूफान है, तूफान। तीसरा लड़का लेने आए हम लोग। हेलो दोस्त, कहाँ जा रहे हैं? गंगोत्री। हम ट्रिप शुरू कर रहे हैं कोटद्वार से। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ये समझ लीजिए हरिद्वार से 60 किलोमीटर हम दूर हैं और पहाड़ियों की तरफ हैं कहीं। तो आपको अगर कोई इंफॉर्मेशनल टूर चाहिए तो हम ये समझ लीजिए कि हरिद्वार से शुरू। भाई कैमरे में घुसा रहेगा, आंटी के पैर छू लेता है। मैं आंटी को मिला ही नहीं। वीर बजरंगी हर हर महादेव। ये कोटद्वार की चुंगी छोड़ते हुए पीछे देखिए, कोटद्वार से चश्मा। यार मैं मधुमक्खा तो नहीं लग रहा हूँ कहीं? ठीक है भाई, मुझे वैसे लगता है मैं बुरा लग रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। असल में कोटद्वार से जब भी हम पहाड़ों की ओर निकले, श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ जब भी गए तो उसी रूट से गए जो कोटद्वार से पहाड़ों को टच करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश से होते हुए जा रहे हैं। ये समझ लीजिए वाई है। अगर ये बीच का पार्ट कोटद्वार है तो ये वाला पार्ट से हम केदारनाथ बद्रीनाथ निकलते हैं, और ये यमुनोत्री का पार्ट स्पेशली इस तरफ से जाना पड़ रहा है, मतलब यू टर्न टाइप का समझ लीजिए, मतलब दूसरा ही रूट है। हम प्लेन से होते हुए जाएंगे, 10 घंटे का रास्ता ऑलमोस्ट यहाँ से, 10 से 11 घंटे लगेंगे। मेन मोटिव वही है कि हम नई चीज एक्सप्लोर करें। शॉर्टकट तो हम नहीं दिखा पाएंगे, हम गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं। बट हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमारी नजर से हम क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं आप भी देखेंगे, प्लीज ब्लॉग में एंड तक बने रहना। फ्यूल अप कर रहे हैं हम। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरा गला अभी से ही खराब होने लगा है, क्योंकि इन्होंने चिलवा चिलवा के ऐसे मतलब इतने मजे दिला रखे, हंस हंस के पेट दर्द हो रहा है इन दोनों के साथ। अगला स्टॉप सीधे हरिद्वार होगा। ढंग से हिला, ढंग से कभी। देखिए अब यहाँ पर से डाइवर्जन है एक तरीके का, यहाँ पर ब्रिज जा रहा है दूसरी तरफ। ब्रिज इधर जा रहा है उसको कहते हैं हम हरिद्वार, और हम ले रहे हैं सीधा रास्ता ऋषिकेश के लिए, जहां से गंगोत्री धाम जो हमारी डेस्टिनेशन है वो रह जाते हैं अराउंड 300 किलोमीटर। दिस इज द ब्रिज, इसे चंडी पुल भी कहते हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो हम हरिद्वार पहुंचेंगे, बट वी आर गोइंग दैट वे, दैट वे। तो ये है चीला वाला रास्ता जिस पर इनका डिबेट चल रहा था काफी देर से कि भाई वो चीला है, वो कहते हैं नहीं चीला वो नहीं है, बट चीला ही है। मुझे जहां तक प्रतीत हो रहा है कि ऋषिकेश का रास्ता जो है वो काफी अद्भुत रास्ता। हाँ, बहुत प्यारा रास्ता है, बहुत प्यारा। अभी हम चीला डैम क्रॉस कर रहे हैं, मतलब चीला जहाँ पहुंचे हैं रास्ते में, तो अभी हम हैं चीला डैम, तो यहाँ से पानी छोड़ा जाता होगा। ये देखिए ऋषिकेश पहुंचे हैं अभी अभी। ये नीले रंग के ऑटो चलते हैं यहाँ पर, जिनको विक्रम कहा जाता है। ये भी अपने शहर जैसा ही शहर है, मतलब थोड़ा बड़ा है उससे, वास्ट है, बिजनेस काफी फैला हुआ है यहाँ का। ऊंची नीची सड़कें हैं, थोड़ी सी पहाड़ी वाली जैसे घाटी नुमा।
आए हाय, अभी अभी हमने ऋषिकेश क्रॉस कर लिया है। ऋषिकेश से 12 किलोमीटर ऊपर है हम। ये कोई टाउन है पहाड़ी, और नीचे आपको देख सकते हैं आपकी ऋषिकेश नजर आ रहा है अपनी पूरी खूबसूरती के साथ। ब्यूटीफुल। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ऋषिकेश हम पीछे छोड़ चुके थे, बट अभी इस रास्ते में एक बार हमने सोचा कि ब्लॉगिंग करें। बट हाँ, अभी फुल ऑन सिद्धांत के साथ हमने कैमरा खोला है। आप आगे देख सकते हैं कि कोहरा जो है पहाड़ को चूमने के लिए आ रहा है बिल्कुल, और जिसे कहते हैं धूल धक्कड़ कूड़ा करकट सब पीछे छोड़ रहे हैं हम। यार ये जो धुंध चल रही है ना लगातार ट्रैवल कर रही है ऊपर के लिए, दिख रही है? हमारे ट्रिप्स में होता क्या है कि सारा कैश एक बार काउंटरी कर लिया जाता है, फिर एक बंदे को कैशियर बना जाता है। मोस्टली वो मैं होता हूँ। यहाँ इस जगह का नाम है नागणी। ये माहौल है यहाँ का। खाना लग गया। रोहित को बहुत गुस्सा है। रोहित कह रहा है मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि जो पहले ही दाल भात मिला के दे दे। आपको शुभ नाम क्या भैया? महिपाल जी। ये महिपाल जी का अपना ढाबा है यहाँ पर, यहाँ का नाम है नागणी। चलिए वहां से हमारा लंच हो गया। मूविंग। तो अभी हम लोग एक बैंड काट रहे हैं, ये वाला रास्ता पकड़ रहे हैं विच इज गोइंग टू उत्तरकाशी। नाउ हम उत्तरकाशी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। उत्तरकाशी, हर्षिल और गंगोत्री। हाँ, हर्षिल, गंगोत्री। गंगोत्री के लिए मतलब ये बैंड काटना होता है। ऋषिकेश के बाद हमने नागणी पार कर लिया है, और अब जाकर गाड़ी एवरेज देगी क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ढलान की तरफ। देखिए ये है उत्तरकाशी का रास्ता, ऐसा कुछ था। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए इधर से बना मैं चंबा टनल। अरे वाह यार, रोहित हमसे बहुत परेशान है, कहता हर जगह तुम कैमरा खोल के बैठ जाते हो, थोड़ा जिंदगी को जियो। अथा खूबसूरत। अरे यार हम लोग उत्तरकाशी पहुंचने ही वाले थे, बड़ी तेज हवा चल रही है फिलहाल, बाद में दिखाता हूँ आगे क्या है। मैं कह रहा हूँ कि मैं उत्तरकाशी, हम लोग उत्तरकाशी पहुँच ही गए थे बस, मतलब पहुँचने वाले हैं। कितने 90 किलोमीटर सुबह से चल रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कब पहुँच पाएंगे हम, बट फिलहाल हम इसी रूट से आ रहे हैं। दिख रहा है मामला पूरा? तो उत्तरकाशी बस 90 किलोमीटर और रह गया, ये रूट है। बट देखने वाली चीज़ पता क्या है चौधरी? चौधरे कैसा लगा ब्रो, है ना? मे बी अरे भाई खूबसूरती देखते ही बनती है भाई, मतलब तुम्हारी नहीं। तुम हटो वहाँ देखो नहीं, मतलब मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। दिस इज टिहरी डैम, और उसकी झील है, मतलब डैम आगे है पर उसकी झील है। एक वो एरिया है मतलब जिसको पूरे पहाड़ को बादलों ने ढका हुआ है, ऊपर से घेरे हुए हैं, क्या सीन है। वो मंदिर नज़र आ रहा है? हाँ, ये पूरा रूट है भाई नीचे से। गांव है, छोटा सा गांव है। अरे यार वो देखना, झील के सामने एक गांव है भाई। मैं इस रीजन में ही पहली बार, फर्स्ट टाइम। चले भाई बैठ। आगे वो रास्ता बंद हो रखा है अभी, वो से ना यार मुझे देखना पड़ेगा, यार मुझे ठीक करना पड़ेगा सब। क्या बात हो गई रोहित, क्या बात हो गई? अरे रास्ता खराब हो गया था। रास्ता खराब है, ये सफाई हो रही रास्ते। वो देखिए रोड काट रहे हैं, थोड़ा रास्ता ब्लॉक हो रखा है आगे। केकड़ा दिख रहा है आपको उधर? नहीं, ये तो अपना ही बंदा है यहाँ पर, दूसरा वाला केकड़ा। हाँ, रोड सफाई हो रही है वहाँ। ये देखिए ये भी भाई बह जाएगा नीचे को जिस पे खड़े हैं हम।
हर तरफ पानी है यार यहाँ तो, मतलब मन कर रहा है चौधरी की नहाओ जल्दी। एक तो चाय और दूसरा बिस्किट नहीं भाई ये व्यू बिस्किट तो खा ले। अच्छे खासे मूड में चल रहे थे बट 10-12 गाड़ियों ने आते हुए ऐसे हाथ दिखाया कि आगे जो है रास्ता बंद है और लैंडस्लाइड हो गया है, तो लैंडस्लाइड की वजह से ये सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं यहाँ पर, हम उत्तरकाशी भी नहीं पहुँच पाए। मतलब आगे पीछे कहीं ना कहीं मिली जाए, बहुत होटल हैं चीनी में, मतलब आगे जाने से फायदा नहीं है। ना ना बिल्कुल यही पे जब मशीन ही नहीं लगी अभी तक तो क्या। ये एक ढाबा है यहाँ वेज खाना मिल रहा है तो हम लोग यहीं पे खाना वाना खाएंगे आज, स्टे करेंगे। थोड़ा बहुत हेक्टिक हो गया, हल्का सा कुछ ज़्यादा नहीं, बट हाँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ मैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा।